नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की सोम ग्रुप की फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराने के खुलासे के बाद आबकारी विभाग ने लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की थी। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने रायसेन में संचालित शराब फैक्ट्री सोम डिस्टिलरी के संचालक पर कांग्रेस के साथ मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि शराब फैक्ट्री के मालिक के इशारे पर कांग्रेस मेरी और मेरे परिवार की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं। ये न्याय का संघर्ष है, मैं अपराधियों को सजा दिलवा कर रहूंगा। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि बंधुआ मजदूर बनाए गए बच्चों से शराब बनवाने के मामले में मैंने 15 जून को रायसेन में शराब फैक्ट्री सोम डिस्टिलरी का निरीक्षण कर वहां से कई बच्चों को रेस्क्यू करवाया था, FIR दर्ज करवाई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश से उस फैक्ट्री का लाइसेंस निलंबित कर उसके सील कर दिया गया। मुझे पता चला है कि शराब कंपनी मुझसे इसका बदला लेने और कानूनी कार्यवाही को कमजोर करने के उद्देश्य से मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए प्रदेश के विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के नेताओं और विधायकों के संपर्क में। ये बात प्रियंक कानूनगो लिख रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि शराब कंपनी के इशारे पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में मनगढ़ंत प्रश्न पूछकर झूठे आरोपों के माध्यम से मेरी और मेरी 75 वर्षीय कैंसर पीड़ित मां की छवि धूमिल कर हम लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया। शराब माफिया की शह पर काम कर रही कांग्रेस पार्टी ने नैतिक गरिमा को इतना गिरा दिया है कि मेरी माँ, जो हमारे पिछड़े हुए जिले की पहली महिला चिकित्सक है, जिन्होंने 50 साल पहले विदेश जाने का अवसर त्याग कर आजीवन सेवा भाव से गांव में गरीब के लिए चिकित्सा का काम किया, उनके नाम को राजनीति में घसीटकर उनके नाम पर झूठे आरोप लगाने के लिए मध्य प्रदेश की पवित्र विधानसभा के पटल का उपयोग करके मुझे दबाव में लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रियंक कानून को आगे लिखते हैं कि हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। आजादी के पहले से मेरे पितामह और उनके पूर्वजों की खेती के लिए 30 से 40 बीघा जमीन पर मेरी मां के हक का सवाल विधानसभा में पूछा जा रहा है। एक एक इंच का हिसाब कांच की तरह साफ है। चुनौती देता हूं, विधानसभा में क्या सड़क पर, चौराहे पर कहीं भी चर्चा कर लो, जनता के बीच आ जाओ, जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। मेरे संगठन और परिवार से जो मुझे संस्कार मिले हैं वो मेरी शक्ति है। मैं वंचित समुदाय के संविधान प्रदत्त अधिकार की लड़ाई लड़ता हूं। मैं किसी दबाव में आने वाला नहीं हूं। ये न्याय का संघर्ष है। प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि मैं अपराधियों को सजा दिलवा कर रहूंगा। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर ने कहा कि किसान की शिकायत पर ध्यानाकर्षण लगाया था। गरीब किसान की जमीन दबंगों द्वारा हड़पी जा रही है, इसके लिए मैंने जानकारी मांगी थी। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, दिनेश गुर्जर ने कहा। दिनेश गुर्जर ने आगे कहा कि मैं गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ता हूं, मेरा कर्तव्य है विधानसभा में गरीब की लड़ाई लड़ूं। दो वक्तव्य हमने आपको बताए और विस्तार के साथ बताए। इसी मुद्दे पर विस्तार से आज हमारी बात होगी, कुछ मेहमानों को जोड़ेंगे। अब उससे पहले प्रियंक कानूनगो और बीजेपी कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से मैंने पिछले माह 15 जून को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सेहतगंज नामक स्थान पे एक सोम डिस्टिलरी शराब फैक्ट्री से कुछ नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया था, जिन्हें स्कूल बच्चों में बिठाकर वहां लाया जा रहा था और शराब बनवाने का काम उनसे करवाया गया था। ये पूरा मामला प्रकाश में आने के बाद FIR हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सख्त कदम उठाया और इस फैक्ट्री का लाइसेंस निलंबित किया, फैक्ट्री बंद कर। अब जब दबाव बन रहा है फैक्ट्री के मालिकों को गिरफ्तार करने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग उनसे मिलकर के मुझ पर उल्टा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि कांग्रेस के विधायकों ने मेरे खिलाफ विधानसभा में प्रश्न लगाए हैं और बेसिरपेर की बेबुनियाद बातें की हैं। मेरी मां जो 75 वर्ष की हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, पूरा जीवन सेवाभावी चिकित्सक के रूप में उन्होंने बताया है, जिनकी हमारे पूरे इलाके में जाके किसी से पूछेगा तो ख्याति एक सेवाभावी चिकित्सक के रूप में है, उनका नाम इन प्रश्नों में डाला जा रहा है। हमारी संपत्ति पे, हमारे व्यवसायों पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग नैतिकता में कितना भी गिर जाइए, आप शराब माफिया के साथ मिलकर बच्चों का शोषण करने का कोई भी प्रयास करेंगे तो मैं खड़ा रहूंगा। मुझे मेरे परिवार से, मेरे संगठन से जो संस्कार मिले हैं
कुसंस्कार ये कहते हैं कि मैं आपके आगे झुकूंगा नहीं, हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई में आखिरी दम तक हम साथ रहेंगे, उन सभी लोगों के जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, और वो सारे बच्चे जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जिनको हमने इन फैक्ट्री से रेस्क्यू किया है, उनके अधिकार के संघर्ष की लड़ाई हम जारी रखेंगे। चाहे हमारी सारी संपत्ति आप लोग छीन लीजिए, चाहे हमने आप हमारे घरों से बेदखल करने की साजिश कर लीजिए, चाहे आप मान सम्मान का मर्दन कर दीजिए, लेकिन आपके खिलाफ मेरी आवाज दबने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। मेरे द्वारा पूर्व में विधानसभा में एक ध्यान आकर्षण लगाकर एक किसान की शिकायत पर एक मैंने ध्यान आकर्षण लगाया था। किसान पीड़ित था, शोषित था, दुखी था। उसने मुझे अपना एक आवेदन दिया और उसके आधार पर मैंने ध्यान आकर्षण लगा के जानकारी चाही थी कि गरीब किसान की जमीन को दबंगों द्वारा जो लिया जा रहा है, हड़पा जा रहा है, वो ना हड़पा जाए। और उसके लिए मैंने विधानसभा ध्यान आकर्षण लगाया है। और जो भी अगर इस पर कोई टीका टिप्पणी कर रहा है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक गरीब किसान मजदूर की लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ता हूँ और लड़ता रहूंगा, ये मेरा उद्देश्य है। और गरीब किसान ने मुझे अवगत कराया तो मेरा धर्म बनता है कि गरीब किसान की बात को विधानसभा में रखूं। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ब्रज गोपाल लोया जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। प्रमोद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत। शुरुआत करते हैं प्रमोद जी आपसे, क्योंकि जो बात प्रियंका कानून को कह रहे हैं कि उनकी और उनकी माताजी की छवि को व्यक्तिगत रूप से धक्का लगा है और ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने लगाया है और ये कहा कि मैं दबाव में आने वाला नहीं हूं, मैं अपराधियों को सजा दिलाकर रहूंगा और पूरी चीजें जनता के सामने भी आएगी। प्रियंका जी, संसद या विधायक अगर कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और किसी माध्यम के जरिए पूछ रहे हैं तो उसमें अपकीर्ति कैसे, मानहानि कैसे या आपकी छवि कैसे गिर रही है? प्रश्न पूछा है, अभी आरोप नहीं लगाया जी। और आरोप आरोप लगाना और प्रश्न पूछना दोनों अलग होता है। एक दूसरा, आपने बाल आयोग अध्यक्ष होते हुए कहीं पर बाल श्रमिकों को काम करते हुए पकड़ा, फिर सरकार डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से कार्रवाई की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं, केवल एक ही जगह छापेमारी क्यों की? आप मेरे इस बयान पर मुझे मानहानि का नोटिस दे देना, परंतु मैं आपको कर्तव्य परायणता की बात बताना चाहता हूं कि अगर आप राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं तो पूरे देश में अगर बाल श्रमिक काम कर रहे हैं तो आपको नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पूरे देश के ऐसे बाल श्रमिकों के कल जो जहां पर काम कर रहे हैं और जिनसे काम करवाया जा रहा है उन सारी फैक्ट्रियों पर छापा मारे। लेकिन आप वो कर्तव्य नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी माता और पिता की छवि 70 साल, इसका मतलब है कि देश विकसित था तभी तो आपकी माता जी ने शिक्षा ग्रहण करते हुए डॉक्टर बनी, और अगर उन्होंने विदेश जाने से इनकार कर दिया तो वो उनकी स्वेच्छा थी और उन्होंने कोई मार्ग चुना तो वो उनकी इच्छा थी। क्या इन सब को गिनाते हुए आप कांग्रेस को दबाना चाहते हैं? और कांग्रेस कहां से आ गई? एक विधायक ने विधानसभा के माध्यम से कोई सवाल पूछा, सवाल पूछना क्या अपराध है? आप सिद्ध कर दीजिए कि इस सवाल के अंदर आपका हित या अहित छिपा है, या आप ये सिद्ध कर दीजिए कि शराब कारखाने में छापामारी आपने करी, केवल एक ही जगह करी, बाकी जगह नहीं करी तो क्यों नहीं करी? और अगर करी है यहां पर तो क्या इस मामले में कांग्रेस ने रोकने का सवाल किया? मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से अनुमति लेकर के आपके इस ट्वीट के खिलाफ आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 501 और जो अब बदल चुकी है मानहानि का नोटिस दे सकता हूं। ये तुच्छ राजनीति संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर करते हैं, जो संविधान की शपथ लेने के बाद किसी आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वो शायद गरिमा गिराते
सर्वप्रथम आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपने गरिमा गिरा दी है। आयोग के अध्यक्ष हैं, बाल आयोग के अध्यक्ष हैं, पहले उसकी परिभाषा को पढ़ें और उसके कार्य क्षेत्र को विस्तृत अध्ययन करें। संकीर्ण मानवता के लोग शकुनी हो सकते हैं, दुर्योधन हो सकते हैं या गंदी राजनीति के खिलाड़ी हो सकते हैं, पर मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं आप गंदी राजनीति खेल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के पासे हैं। चलिए अब मेरा तो ये जी आता हूं सर आपके पास, ब्रजगोपाल जी का लोग रोक करते हैं। ब्रजगोपाल जी क्या कहेंगे, प्रमोद जी तो कह रहे हैं कि ये सब प्रियंका कानूनगो जी बीजेपी की शह पे कर रहे हैं और कांग्रेस की छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं लगभग। देखिए मैंने प्रमोद जी की पूरी बातें बड़ी गौर से सुनी है। उनने बड़ी जिम्मेवारी प्रियंका जी को दी है कि वो सिद्ध करें कि वो दूसरी जगह क्यों नहीं गए, वो ये भी सिद्ध करें और वो ये भी सिद्ध करें। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं सिद्ध करेगी, केवल लोगों के चरित्र की हत्या करेगी। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी कि लोगों को, जो लोग राजनीति से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, उनको राजनीति में घसीटने का काम करेगी। आप मुझे एक बात का प्रश्न का उत्तर दें, ये प्रमाणिकता हमसे पूछते हैं थोड़ा सा। वो जो विधायक है दिनेश गुर्जर जी, जिन्होंने केवल प्रश्न नहीं लगाया है, ध्यानाकर्षण लगाया है, और केवल प्रियंका कानूनगो जी ने उनकी माताजी पर भी आक्षेप लगाने का काम विधानसभा के पटल पर किया है। जवाब उन्हें देना है और वो ये कह रहे हैं कि मैंने एक किसान की, वो किसान का नाम भी नहीं बता पा रहे हैं कि एक किसान के कहने से ऐसा किया। माननीय विधायक जी और कांग्रेस के और भी विधायक है, 64 विधायक है अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा में, मैंने तो नहीं देखा कि किसी कांग्रेस के विधायक ने किसी के प्रश्न उठाया हो। आपने क्या विधानसभा में ध्यानाकर्षण ये आना था कि जो 59 श्रमिकों को, बाल श्रमिकों को प्रियंका जी ने वहां से मुक्त कराया, आपको उसकी प्रशंसा करनी थी, आपको इस बात की प्रशंसा करनी थी कि सरकार ने त्वरित कार्रवाई करी। और यदि उस संदर्भ में कोई प्रश्न आपके अनुत्तरित थे तो आपको उन प्रश्नों को विधानसभा में पूछना था। उसके एवज में आप क्या कर रहे थे, उसके एवज में आप शराब माफिया के साथ साठ गांठ करके और उसके साथ उनके बताए हुए प्रश्नों को पूछने का काम कर रहे थे। और मैं इसको कोई नया काम नहीं मानता, ये तो कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना चरित्र है। मुझे वो भी मालूम है कि किस तरह मध्य प्रदेश में आसवानी कांड हुआ था और जिसके कारण एक मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ी थी, जो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक गया था। तो शराब माफिया, रेत माफिया या जितने तरह के माफिया होते हैं, उनसे कांग्रेस के लोगों की साठ गांठ कोई नया विषय नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक बात और आपको बता दूं, 2019 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनके मंत्री उमंग सिंगार, उन्होंने ये सार्वजनिक रूप से कहा कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह से बड़ा कोई माफिया नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा शराब माफिया, रेत माफिया, भू माफिया। तो देखिए, माफियाओं से संबंध और स्वयं माफिया होना, ये आरोप प्रत्यारोप तो आपके यहाँ भीतर भी लगते हैं। हाँ, परंतु हम शुचिता की राजनीति करते हैं। आज प्रियंका कानूनगो जी एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्व का पालन किया है। और मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, देश में बहुत कम उदाहरण मिलेंगे कि जब आयोग उसी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने चला गया हो जहां से उनकी नियुक्ति होती है। कांग्रेस के लोग बताएं जरा इसका थोड़ा एकाध उदाहरण मुझे भी बताएं कि कांग्रेस की सरकार रही हो और कभी आयोगों ने कार्रवाई की हो और आयोग की कार्रवाई का सरकारों ने समर्थन किया हो। ये बड़ी दुर्लभ घटनाएं हैं। आपने तो सैकड़ों बार लोकायुक्त को अनुमतियां नहीं दी, उनको टालने और अटकाने का काम किया। एक बात और कहता हूं, ये विषय केवल एक प्रश्न का नहीं है, ये विषय केवल एक ध्यानाकर्षण का नहीं है, ये विषय बहुत गंभीर इसलिए हो जाता है कि आपने एक झूठ फैलाने के लिए, आपने एक परिवार के चरित्र की हत्या करने के लिए विधानसभा के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया है। यदि आपको किसानों की चिंता थी तो क्यों भाग गए? आप मध्य प्रदेश की सरकार के बजट में भी उपस्थित नहीं था, ये पूरा विपक्ष। आपने एक ध्यानाकर्षण और लगाया था, उस ध्यानाकर्षण पर मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी चर्चा हुई, 4.5 घंटे से ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश की विधानसभा में हुई। कोई उदाहरण कांग्रेस पार्टी बता दे जब उन्होंने ध्यानाकर्षण पर इतनी चर्चा कराई हो। एक मिनट बात पूरी कर लेने दीजिए जी, एक बात आप समझ लीजिए, मैं पुनः कह रहा हूं और ये गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि यदि विधायक जी ने
प्रियंक कानूनगो जी और उनकी माताजी पर आरोप लगाएं तो उसके तथ्य और सत्य, यदि सत्य का अवसान हो गया है तो वो प्रेस में आए, पब्लिक में आए और फिर आकर बात करें ये और पूछ लेते संबंध में प्रमाण और कागज दें। पूछ लेते प्रमोद जी, इस बात में साफ तौर पर प्रियंक कानूनगो ये लिख रहे हैं कि मुझे पता चला है कि शराब कंपनी मुझसे बदला लेने और कानूनी कार्यवाही को कमजोर करने के उद्देश्य से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं और विधायकों के संपर्क में है और मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ये पूरी बात उन्होंने कही है और इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कांग्रेस पार्टी के नेताओं और विधायकों के संपर्क में है, ये भी बात लिखी गई है। उन्होंने एक बात और लिखी है कि मैंने पूरा प्रकरण डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, सक्षम है, कानून उनके अधीन है, प्रशासन उनके अधीन है, अधिकारी उनके अधीन है, उन्होंने कार्रवाई की तो क्या भारतीय जनता पार्टी। अब मैं पूरा मेरा जवाब हो जाए, मैं आपके जवाब के बीच में नहीं बोला हूँ, प्लीज ठीक है, लोया जी आऊंगा मैं बोल कहां रहा हूं, क्या मैं उंगली नहीं उठा सकता हूं? ठीक है द्विवेदी जी बोलिए। जब सरकार आपकी अप्रत्यक्ष रूप से मैं कह रहा हूं, अब जिस प्रकार से मेरे भाई उनके पक्ष में या भारतीय जनता पार्टी पूरी कांग्रेस के विरोध में खड़ी है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये संवैधानिक पद नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पेंडुलम बैठे हुए हैं, उनके दिशा निर्देश पर वो इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। सरकार आपकी है, अगर कांग्रेस ने कोई गलत आरोप लगाया तो जांच के आधार पर सोम डिसलरी उसके आधार पर क्या कर सकती है? कानून तो आपके पास है, उसे आपने बंद करा, इसके पहले 2018 में भी बंद किया गया, इसके पहले और भी काम किया गया, शराब नीति आपने बनाई 11 बजे से 11:30 बजे आपने किया, सब कुछ सब की कल्चर आप लेकर के आए, पूरे प्रदेश में नशे का कारोबार आपके शासन काल में फैला और नैतिकता हमें समझा रहे हैं। और बात कह रहे हैं दूसरी, तो मैं आपको उदाहरण दे दूं, लक्ष्मण बंगारू जी रिश्वत लेते हुए सामने कैसे आए और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निकाला, और कांग्रेस की नैतिकता की बात कर रहे हैं, बीआर यादव साहब पर लोकायुक्त ने कार्रवाई करने की अनुशंसा की, उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया था दिग्विजय सिंह की सरकार में, और हवाला में नरसिंह राव साहब ने कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से इस्तीफा दिया। बिल्कुल अंतिम अंतिम समय चल रहा है चर्चा का, द्विवेदी साहब थोड़ा सा, और आप जैसे लोग जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, ठीक है द्विवेदी साहब फिर से आज की बात पे आ जाते हैं, अगर अगर शराब नीति पर ही आ रहा हूँ, शराब नीति में स्पष्ट है और तो श्रम कानून का पालन करवाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार में श्रम मंत्री भी होते हैं। अच्छा मुझे एक बार बताइए, अगर प्रियंक कानूनगो ये जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग क्या इसका जवाब देंगे? प्रियंक कानूनगो के आरोपों का जवाब देंगे आप लोग? सुनिए तो द्विवेदी साहब सवाल आपसे, द्विवेदी साहब संगीन आरोप ये लगा रहे हैं प्रियंक कानूनगो के, आपकी पार्टी के नेता और विधायक सोम डिस्टिलरी कंपनी से मिले हुए हैं और तो उनके केस को कमजोर करने के लिए प्रियंक कानूनगो पर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। हाँ ये प्रियंक कानूनगो जी का पोस्ट है, ये पढ़ के बता रहा हूँ मैं अक्षर सर। मैं भी आरोप लगा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों के माध्यम से काम करवाया जा रहा है। इस आरोप पे क्या कहेंगे, ये जो आरोप लगाए गए कि सोम डिस्टिलरी के साथ मिली भगत है, उत्तर आरोप से दे रहा हूँ। आप बाल आयोग के अध्यक्ष हैं, आप जब कानूनी कार्रवाई करने गए थे तो आपका एक पत्र ये भी जाना था कि जिला कलेक्टर ने क्यों नहीं संज्ञान दिया, मध्य प्रदेश की सरकार ने क्यों नहीं संज्ञान किया। आप मोहन यादव को पत्र लिख रहे हैं, आपको सीधा आप संवैधानिक पद पर है आदेश देते कि मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों से काम करवाया जा रहा है, आप केवल एक जगह पर केंद्रित हैं। इस पे आप ठीक है, ओवरऑल आपने बात बताई लेकिन आपने आरोपों पर नहीं कहा है। ठीक है, आपने आरोपों पर जवाब नहीं दिया है, ठीक है, मतलब कि आपका प्यादा है और वो प्यादा मुझे लगता है मेरी आवश्यकता नहीं है। चलिए अब फाइनल कमेंट एक ब्रजगोपाल जी से लेते हैं, ठीक है द्विवेदी साहब, अब सुना जाए ब्रजगोपाल जी। जी द्विवेदी साहब ने हालांकि उन आरोपों पर अभी सामने से जवाब नहीं दिया है, हो सकता है कांग्रेस अभी इंतजार कर रही होगी। देखिए
देखिए मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह दूं, कांग्रेस के पास ना तो कहने तथ्य हैं और ना बताने सत्य है, और सत्य और तथ्य नहीं होते हैं तब लोग ऐसा घूम के जलेबी उसकी बनाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने 5 बार कहा, मैंने पूरा कंटिन्यू सुना है कि 5 बार प्रमोद जी ये कहते रहे कि कानून आपके अधीन है, प्रशासन आपके अधीन है। नहीं श्रीमान, ये कांग्रेस की सरकारें नहीं है, ना हमारे अधीन कानून है, ना हमारे अधीन प्रशासन है, ये सब इस देश के संविधान के अधीन है, सत्यमेव जयते के अधीन है। इस देश में ये कानून से चलने वाली सरकारें हैं। आपकी तरफ नहीं है कि केवल किसी को बचाने के लिए किसी को फंसाया जाएगा, किसी का चरित्र बचाने के लिए किसी के चरित्र की हत्या की जाएगी। हम वो लोग नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि उन्होंने आरोप लगाए, आपको अपडेट कर देता हूं प्रमोद जी, प्रियंका जी ने केवल आरोप नहीं लगाया, प्रियंका जी ने न्यायालय में जाने की भी बात कही है। वो तो न्यायालय जा रहे हैं अपनी मां के सम्मान के लिए और अपने बाल आयोग के सम्मान के लिए और स्वयं के आत्म सम्मान के लिए, वो तो जा रहे हैं। और मैं तो चुनौती पूर्वक कहता हूं, यदि साहस है तो दिनेश गुर्जर जी भी जाएं। और ये मैं तो एक बात और कहता हूं, आपने विधानसभा में जो प्रश्न उठाया था ध्यानाकर्षण का, क्या आप में साहस है कि मीडिया के समक्ष आकर और जनता के समक्ष आकर उस चुनौती को रख सके? क्योंकि प्रियंका जी ने तो कहा है कि आप तो सड़क पे करना चाहे तो सड़क पे कर ले, सदन में करना चाहे सदन में कर ले। और आपकी तो समस्या ये है कि जो सड़क छाप भाषा होती है उसका इस्तेमाल आप सदन में करते हैं और जो सदन की भाषा होती है उसकी मर्यादा का पालन नहीं करते। मैं फिर से कहता हूं, ये अटकी हुई भटकी हुई लटकी हुई कांग्रेस है, इनके पास कोई नहीं है, इसलिए केवल अपने आप को नेता सिद्ध करने के लिए दूसरे के चरित्रों की हत्या करना, और ये कांग्रेस का पुराना शगल है, इसे कांग्रेस बंद करे। क्योंकि ये जो समय है आज मीडिया में सूचना और तकनीक की क्रांति का युग है, लोग आपके पाप भली भांति जानते हैं। मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के सम्मानीय विधायक हैं, बिना तथ्यों के किसी के कहने से अगर विधानसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका नहीं हो सकता। द्विवेदी जी, समय कम बचा है, जल्दी बोलिए। शायद आपको जानकारी नहीं कि आपकी सरकार के खिलाफ, इस शराब नीति के खिलाफ मैंने याचिका लगाई, भारतीय सेना और पुलिस के विवाद के खिलाफ मैंने याचिका लगाई, और आपको सुप्रीम कोर्ट जाकर के इंसाफ लेना पड़ा। ठीक है सर, समय समय हमारे साथ धन्यवाद करना चाहूंगा, लोया साहब का, द्विवेदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आज हम बात कर रहे थे सोम डिस्टिलरी पर जो कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई करने वाले प्रियंक कानूनगो राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष पर, उन्होंने जो बात कही है प्रियंक कानूनगो ने, कांग्रेस पर सोम डिस्टिलरी को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया और ये कहा कि उस उनके इशारे पर, शराब फैक्ट्री के इशारे पर मेरी छवि खराब करने का प्रयास हो रहा है, मैं जनता के सामने सच लाऊंगा और फिर पता चलेगा क्या सच है और क्या झूठ है। कांग्रेस ने इस बात को दरकिनार करते हुए कहा, दिनेश गुर्जर जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि साहब मैं तो विधायक हूं, सदन में मैं जनता के हित के सवाल उठाता हूं, किसान के सवाल मैंने उठाए थे और आगे भी उठाता रहूंगा। बहरहाल अभी देखिए इन आरोपों पर सामने से जवाब नहीं आया है, सामने से जवाब मतलब जो आरोप लगाए गए उस पर पर्टिकुलर जवाब अभी कांग्रेस की ओर से नहीं आया है, और पूरे बड़ी बहस में कांग्रेस प्रवक्ता भी लगभग सामने से जवाब देने से लगभग बचते नजर आए। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में